हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडल कोचिंग। माय नेम इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला। मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रोथ मॉडल के हिंदी के पार्ट डी में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट में हम पेसिनिटी मॉडल ऑफ प्रॉफिट एंड ग्रोथ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये भी एपिसोडिक है, इसको पार्ट वन से देखना अनिवार्य है, लेकिन इसमें कोई और पार्ट है नहीं। तो आप लोगों को कैल्डोर के दोनों मॉडल्स के जो पार्ट मैंने बनाए हैं वो देखना जरूरी है, क्योंकि ये एक तरीके से एक्सटेंशन है कैल्डोर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का। कैल्डोर के डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में कुछ कमियां थीं जिसको पूरा किया था ल्यूगी पेसिनेटी ने। इन्होंने वर्कर्स के प्रॉफिट को ऐड किया था। इनके अजम्पशन में है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इन्होंने माना हुआ है। इनकी जो इनकम है, नेशनल इनकम, वो इन्होंने बोला है कि उसमें वेजेस भी होते हैं और प्रॉफिट्स भी होते हैं। वेजेस और प्रॉफिट्स को बराबर प्रोपोर्शनैलिटी से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सेविंग रेट्स, और हर क्लास जो सेव करती है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन इनकम का सेव करती है। दोनों सेविंग करते हैं, यानी कि कैपिटलिस्ट और वर्कर्स, और कैपिटलिस्ट की सेविंग हमेशा ज्यादा रहेगी वर्कर से। ये कुछ अजम्पशंस हैं नॉर्मली जो होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कैल्डोर मॉडल में, जो डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल अपन ने किया था उसमें ये इक्वेशन आया था, और उसके बाद हमने इस इक्वेशन में पी की वैल्यू निकालकर वाई से डिवाइड कर दिया था, तो ये आया था। अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज एक बार देख लीजिए। अब इसमें एक और चीज की जा सकती है कि P की वैल्यू निकालकर K से डिवाइड कर दिया जाए इस तरीके से, यानी कि ये है प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू इनकम एंड दिस इज प्रॉफिट फॉर कैपिटल, और वो ये आ गया। अब सपोज एक वर्कर है और उस वर्कर को कुछ वेजेस मिलते हैं, उस वेजेस में से वो कुछ पैसा सेव कर लेता है, हक बनता है उसका सेविंग का। कैल्डोर ने इस सेविंग को जीरो ले लिया है, SW को जीरो ले लिया था, फिर वैल्यू निकाली थी प्रॉफिट की कि प्रॉफिट किस पर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम इसको जीरो नहीं लें, जैसा कि पेसिनिटी ने कहा है कि इनकी सेविंग कुछ ना कुछ तो होगी, और उस सेविंग की वजह से ये वर्कर अपनी उस सेविंग का ओनर है, वो कुछ पैसा होल्ड करता है अपने पास, तो वो पैसा वो किसी को भी देगा तो उसके बदले में कुछ तो चाहेगा, एंड दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसको कुछ ना कुछ वापसी चाहिए उस पैसे के लिए। तो जब भी प्रॉफिट आता है किसी कंपनी में तो वो प्रॉफिट का एक हिस्सा वर्कर्स की तरफ भी जाता है इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी प्रॉफिट के दो हिस्से होंगे, एक कैपिटलिस्ट को मिलेगा और एक वर्कर को मिलेगा, लेकिन दोनों बराबर बराबर के हिस्से होंगे। जिस रेट ऑफ प्रॉफिट को कैपिटलिस्ट कमा रहा है उसी रेट ऑफ प्रॉफिट के बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको दिया जाएगा, और इनसे पैसे लेकर ये कैपिटलिस्ट कंपनी में लगाएगा। इस तरीके से पेसिनेटी ने एक नई चीज यहां पर लाई है कि SW को जीरो नहीं लिया, मतलब सेविंग ऑफ वर्कर्स मीन समथिंग टू देम। चलो इसको मैथमेटिकली देखते हैं। ये जो प्रॉफिट है ये दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट और प्रॉफिट ऑफ वर्कर्स। और हमको ये पता है कि सेविंग्स जो है वर्कर की वो अब दो जगह से होंगी, एक तो उनको जो वेजेस मिल रहे हैं उनसे, और एक उनको जो प्रॉफिट मिल रहा है उससे, दोनों से वो सेव करेंगे, इसलिए SW में दोनों चीजें आ गई। और कैपिटलिस्ट की जो सेविंग है वो केवल प्रॉफिट से ही होगी, उनको तो केवल प्रॉफिट मिल रही है, वेजेस तो मिल नहीं रहे, तो जो प्रॉफिट मिल रही है उससे वो जो सेव कर रहे हैं उसको अपन ने SC की जगह ले लिया। और हमको पता है सेविंग्स दोनों की मिलाकर कितनी है, SC + SW या SW + SC, और वो सेविंग किसके बराबर है, इन्वेस्टमेंट के बराबर है, कैल्डोर में हमने किया था। लेकिन फर्क इतना है कि अब इसमें ये W वेजेस भी जुड़ गया है, और इनकम तीन जगह जाएगी, वेजेस में, कैपिटलिस्ट के प्रॉफिट में और वर्कर्स के प्रॉफिट में, तीन जगह वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसलिए हमने Y की जगह ये तीन लिख लिए। अब अगर हमने PC को इस तरफ ले आए, यानी कि Y - PC = W + PW कर दे, तो ये W + PW की जगह हम Y - PC लिख सकते हैं। यस, अब ये SW का अंदर इनटू कर दें तो, और PC वाले को कॉमन निकाल के SC - SW ले लें। अब इस PC की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हमको ये मिलता है, यानी कि जब हमको ये मिला तो इसको अगर हम Y से डिवाइड करेंगे तो हमको ये मिलेगा, और अगर हम इसको K से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन बताता है कि इनकम वाई का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में कैसे हुआ, और ये वाला इक्वेशन ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो टोटल कैपिटल में कितना है।
अब एक बात आती है कि ये जो इक्वेशंस हैं दोनों, इसमें यहां पर पीसी लिखा हुआ है, यानी प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट, प्रॉफिट ऑफ वर्कर्स तो कहीं दिख नहीं रहा है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन प्रॉफिट कैपिटलिस्ट को दिला रहे हैं, और इनकम तो प्रॉफिट और वेजेस दोनों में डिवाइड होनी थी, तो वर्कर्स का शेयर कहां गया? तो वर्कर्स का हम इनमें ऐड करेंगे अब। बट उससे पहले ये देखें कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट और वेजेस में एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा, यानी पी अपॉन वाई क्या होगा? पीसी अपॉन वाई प्लस पीडब्ल्यू अपॉन वाई, ये होता है। और अब रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट टू टोटल कैपिटल क्या होगा? प्रॉफिट टू कैपिटलिस्ट अकॉर्डिंग टू टोटल कैपिटल, और प्रॉफिट ऑफ वर्कर्स अकॉर्डिंग टू टोटल कैपिटल, ये दोनों इक्वेशंस हैं। यानी कि हमारे को अगर पी अपॉन वाई लाना है तो पीसी अपॉन वाई में क्या प्लस करना पड़ेगा? पीडब्ल्यू अपॉन वाई। इसी तरीके से इसमें तो हम इन इक्वेशंस में दोनों तरफ पीडब्ल्यू अपॉन वाई और यहां दोनों तरफ पी डब्ल्यू अपॉन के प्लस करते हैं, एडिंग बोथ साइड्स। तो इस तरफ इसमें ऐड करना है और इस तरफ इसमें ऐड करना है, ठीक है? यहां पे ऐड किया अपन ने पीडब्ल्यू अपॉन वाई, यहां पीडब्ल्यू अपॉन के, यहां पीडब्ल्यू अपॉन वाई, यहां पीडब्ल्यू अपॉन के, ये पीडब्ल्यू अपॉन वाई प्लस पीसी अपॉन वाई क्या हो गया? पी अपॉन वाई, ये इक्वेशन बन गया, और ये प्लस रहा, ठीक है? इन दोनों को मिलाकर भी क्या हो गया? पी अपॉन के, और ये भी प्लस रहा। यहां पर अगर हम एक इक्वेशन ले लें, ये वाला, केवल ये वाला ले लें, अगर हम इसमें ये ले लें पीडब्ल्यू वर्कर्स का प्रॉफिट, ये वास्तव में क्या है? देखिए ये क्वेश्चन है, यहां पर हमने पीडब्ल्यू की जगह आई के डब्ल्यू ले लिया है। ये क्या है? के है कैपिटल ऑफ वर्कर, वर्कर जो कुछ सेव करता है वो उसका कैपिटल है, और उस पर उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो पीडब्ल्यू को हमने आई के डब्ल्यू ले लिया। सपोज एक वर्कर है, वो कुछ पैसा सेव करता है, ऐसे कई लोग हैं वो अपने अपना पैसा सेव करते हैं, तो जब ये पैसा इस एंटरप्रेनर को, इस कैपिटलिस्ट को चाहिए हो, तो ये सब लोग अपना पैसा क्यों देंगे उसको? और अगर देंगे तो ये पैसा क्या करने वाला है? ये कंपनी में लगाएगा, तो इसको तो प्रॉफिट मिलेगा, मगर इनको क्या मिला? इसको ये दे देगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आई, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही देगा जितना इसको यहां से प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि इनको भी पैसा मिल रहा है। प्रॉफिट हो सकता है, रेट ऑफ प्रॉफिट सेम है रेट ऑफ इंटरेस्ट के, लेकिन प्रॉफिट हो सकता है उसको बहुत ज्यादा मिले, इनको तो बढ़ जाएगा सब में। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों के रेट्स बराबर हैं प्रॉफिट्स के, यानी कि अगर हम इस तरीके से देखें, प्रॉफिट ऑफ वर्कर्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर सेविंग्स और सेविंग रेट, और प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू देयर सेविंग रेट, तो ये दोनों बराबर होंगे। और चूंकि एच डब्ल्यू की वैल्यू ये होती है, हम पीछे कर चुके हैं, एस सी की वैल्यू ये होती है, तो इन दोनों को हम एच डब्ल्यू और एस सी जगह पुट कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पीसी पीसी कैंसिल हो गया और ये आ गया डब्ल्यू पीडब्ल्यू, यानी कि ये इंटू कर दिया हमने अंदर, और इसकी वैल्यू और पीडब्ल्यू को इस तरफ ले आए, तो ये हो गया एच डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू एस सी माइनस एच डब्ल्यू और पीडब्ल्यू बाहर। लेकिन अगर हम ये वाला इक्वेशन देखें, एस डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस पी डब्ल्यू इक्वल टू एस सी पी डब्ल्यू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो वर्कर्स की सेविंग है और जो कैपिटलिस्ट की सेविंग है, वो एक रिस्पेक्ट में दोनों सेम है। किस रिस्पेक्ट में? जब वर्कर्स अपने प्रॉफिट और अपने वेजेस में से सेव करता है, या कैपिटलिस्ट वर्कर्स के प्रॉफिट में से सेव करता है। लेकिन वर्कर के प्रॉफिट से कैसे सेव करेगा? वो ऐसे कि मान लो, जैसे कैल्डोर ने कहा था कि प्रॉफिट केवल कैपिटलिस्ट के लिए होता है, यानी वो वर्कर्स को दिया ही नहीं गया, तो वो प्रॉफिट का सेविंग कौन करेगा? कैपिटलिस्ट। कौन से प्रॉफिट का? अपना प्रॉफिट तो है ही, वर्कर्स के प्रॉफिट का भी करेगा। लेकिन अगर वो सेव नहीं कर रहा होता वर्कर्स का प्रॉफिट, तो वो वर्कर्स का प्रॉफिट किसके पास जाता? वर्कर्स के पास जाता, और वर्कर्स भी उसी में से सेविंग कर रहे होते। तो ये सेविंग जो वर्कर्स कर रहे हैं अपने प्रॉफिट में से और वेजेस में से, वो किसके बराबर है? कैपिटलिस्ट की सेविंग, जो वो वर्कर के प्रॉफिट में से करते अगर उनके पास होता तो। और दूसरी तरफ हम अगर ये देखें, एक रिलेशन है सेविंग्स में और प्रॉफिट में कैपिटलिस्ट के, क्योंकि उनका जो सेविंग है वो आता है प्रॉफिट से,
तो कोई भी अगर हम एससी ले लें तो उसका केवल एक ही रिलेशन है प्रॉफिट से। तो अगर प्रॉफिट से उसका सेविंग है और इसी सेविंग से बाद में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होंगी, तो यही एकमात्र ऐसा सेविंग है जो सारी सेविंग ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, और यही वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है जो प्रॉफिट और वेजेस में डिवाइड होगी पूरे सिस्टम के लिए, इससे जो इनकम आएगी। और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें ओवर टाइम, तो जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है बाहर से, तो वो टेक्नोलॉजी और पॉपुलेशन दोनों से प्रभावित होगा, यानी कि प्रॉफिट डिपेंड करेगा पॉपुलेशन पे भी और सेविंग्स पे भी, सेविंग्स ऑफ कैपिटलिस्ट। ये नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ है, यानी एक ही इक्विलिब्रियम है रेट ऑफ प्रॉफिट को निकालने के लिए। ये पैसी नीति ने निकाला है कि रेट ऑफ प्रॉफिट के लिए नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ को हमको कैपिटलिस्ट प्रोपेंसिटी टू सेव से डिवाइड करना पड़ेगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट इसी का फंक्शन है। फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए सेविंग कौन करने वाला है, जैसा अपन ने कैल्डोर में किया था। कैल्डोर में और उसमें बेसिकली डिफरेंस पता क्या है, कैल्डोर ने प्रॉफिट नहीं दिया वर्कर्स को बस, और पेसिनिटी ने वर्कर्स को प्रॉफिट थमाया और उनसे वापस वो पैसा लेकर उनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। यानी सेविंग दोनों कर रहे हैं, दोनों कैल्डोर के टाइम पे भी वर्कर सेव करते थे और पेसिनिटी के टाइम पे भी वर्कर सेव करते थे, लेकिन यहां पर जो सेविंग हो रही है पेसिनिटी की, उस सेविंग्स को लेकर और उस बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉफिट के बराबर दे रहे हैं कैपिटलिस्ट, बस इतना सा ही फर्क है। लेकिन जो फुल एम्प्लॉयमेंट ला रहा है वो तो सेविंग कैपिटलिस्ट की ही है, इसमें कहीं से भी सेविंग्स ऑफ वर्कर का कोई रोल नहीं है, वर्कर की सेविंग्स का कोई असर नहीं होता है प्रॉफिट में या इनकम लाने में। फर्क बस इतना है कि उस वजह से इनको प्रॉफिट मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस मिल रहा है इनको। ये चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दी थी पेसिनेटी ने, क्योंकि ट्रैक पर लाना, फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे लाना, तो इसी सेविंग का काम है कैपिटलिस्ट का। दो चीजें और हैं, पहली तो यह है कि लॉन्ग रन में वर्कर्स की जो प्रोपेंसिटी टू सेव है SW, देखिए P अपॉन K इक्वल टू 1 अपॉन SC, I अपॉन K इक्वल टू GYSC, इसको अपन ने जी ले लिया है, लेकिन इसको देखिए बस, यहां पर SC आ रहा है, प्रॉफिट इज रिलेटेड टू SC, इसका मतलब क्या है कि SW है ही नहीं यहां पर, यानी कि SW का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है प्रॉफिट के रेट को डिसाइड करने में। और अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ये वाला, इस इक्वेशन में सेविंग ऑफ वर्कर का कोई रोल नहीं है, यानी SW का कोई रोल नहीं है इनकम के भी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो फिर ये सेविंग ऑफ SW का फिर रोल क्या है। जैसा मैंने आपको बताया, SW को कैल्डोर ने जीरो ले लिया था और पेसिनिटी ने इसको जीरो नहीं लिया, कहा कि इसके पास जो सेविंग है उसके बदले में इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, और वो प्रॉफिट, वही पैसा बाद में कैपिटलिस्ट के पास आएगा, क्योंकि वही ब्याज दर दे रहा है और उसके बाद फिर वो उसको लगा देगा। और दूसरी बात यह है कि जितना भी प्रॉफिट का प्रोपोर्शन होगा सेविंग के लिए पूरे सिस्टम के लिए, वो कौन देगा, वो कैपिटलिस्ट देगा, कैपिटलिस्ट का प्रोपेंसिटी टू सेव देगी SC। तो जो वर्कर्स के सेविंग का डिसीजन है वो इसमें कोई काउंट नहीं होगा, ये कहा है पेसिनिटी ने, यानी वही बात कही है जो कैल्डोर ने कही है, बस एक छोटा सा उनने चेंज किया है कि उसमें थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट और दे दिया है और उनको ओनर जैसा फीलिंग दे दी है, ताकि वर्कर्स को भी रिटर्न में वो प्रॉफिट मिले और वो ओनर रहे उसके, यानी कि द शेयर ऑफ वर्कर्स इन टोटल प्रॉफिट इज प्री डिटरमाइंड, उसको पहले से जान के रखा जाता है उनके लिए, बट इट कैन नॉट इन्फ्लुएंस इट एट ऑल, यानी कि वर्कर्स की शेयरिंग, वर्कर्स का प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट को इन्फ्लुएंस नहीं करता, लेकिन टोटल प्रॉफिट में से वर्कर्स का प्रॉफिट निकाला जाता है, ये कहने का मतलब है। अब हम अगर कंपेयर करें कैल्डोर के मॉडल से इसको, तो जैसा मैंने आपको बताया है कैल्डोर ने SW को जीरो ले लिया था, इसलिए कैल्डोर फेल हो गए थे, और पेसिनिटी ने इसको जीरो नहीं लिया है, बस कैल्डोर का मॉडल इसलिए बहुत वीक था क्योंकि उसमें सारा प्रॉफिट कैपिटलिस्ट के हाथ में था, जो ये कहता था कि वर्कर की सेविंग टोटली ट्रांसफर हो जाती है एज ए गिफ्ट, एक गिफ्ट है वो कैपिटलिस्ट के लिए, उनकी सेविंग पूरी ट्रांसफर हो गई कैपिटलिस्ट के पास। ये तो अनरियलिस्टिक जैसी बातें हैं, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति सेव करता है कुछ भी इनकम, तो इसका मतलब है वो उसका ओनर है, नहीं तो वो सेव क्यों करेगा, कोई आपके लिए थोड़ी ना सेविंग कर रहा है, उसका स्वार्थ तो होना चाहिए, जब वो अपने लिए सेव करेगा, ओनर होगा, तभी तो वो अपने लिए करेगा। और टोटल जो स्टॉक है कैपिटल का,
वो किस किस के पास होगा? दोनों के पास होगा, कैपिटलिस्ट के पास भी होगा और वर्कर्स के पास भी होगा, क्योंकि वर्कर्स भी सेव कर रहे हैं बहुत लंबे समय से पास्ट से, ठीक है। तो जब वर्कर्स सेव कर रहे हैं, उस पार्ट को ओन कर रहे हैं, ओनर है उस स्टॉक के, उस कैपिटल के, जैसे कैपिटलिस्ट होते हैं, तो उनको कुछ शेयर मिलेगा उसके बदले में, दैट इज प्रॉफिट, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैट कैपिटल। तो टोटल कैपिटल दोनों के लिए हुआ, कैपिटलिस्ट के लिए भी और वर्कर के लिए भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो कैलडोर में मिसिंग था, जो पेसिनिटी ने फिल कर दिया इस मॉडल में। तो ये क्लियर करते हैं उस कंफ्यूजन को कि दो डिफरेंट कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन के इनकम के, और उनको बिल्कुल डिस्टिंग्विश करते हैं अलग अलग। डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का प्रॉफिट और वेजेस में होगा और कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में होगा। डायरेक्ट सिंपल रिलेशन रेट ऑफ प्रॉफिट का और रेट ऑफ ग्रोथ का बताया है पेसिनिटी ने कि वो रिलेटेड है प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ कैपिटलिस्ट के। और अगर स्टेबिलिटी लानी है तो कंडीशन यही है कि SC बड़ा हो जीरो से, जीरो के बराबर ना हो, और SW छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है जीरो के, लेकिन उसको भी इन्होंने जीरो नहीं लिया है, उसको लिया है I अपॉन Y से छोटा, यानी कि SW छोटा है SC से, ऐसा समझिए। यानी कि हर तरफ से कैलडोर से सुपीरियर है पैसिनिटी का मॉडल। दैट्स इट।